शासन की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन एजेंसी संचालकों के लिए सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें आगरा एआरटीओ प्रशासन ने जनपद आगरा के इलेक्ट्रिक वाहन एजेंसी संचालकों के साथ बैठक कर जानकारियां उपलब्ध कराई। बैठक में बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक एजेंसी संचालक अपने अपने फॉर्म विभाग में जमा करा दे। एआरटीओ प्रशासन एनसी शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन संचालकों को सब्सिडी के लिए 200 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। जनपद आगरा के डीलरों से अभी तक कुल 250 फॉर्म विभाग को मिले हैं। आज ये हमारे संभागीय परिवहन कार्यालय में जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर के इलेक्ट्रिक वाहन डीलर हैं, उनके लिए हमने बैठक बुलाई थी और ये बैठक सब्सिडी के संबंध में है। हमारा इन सभी डीलरों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक फीड कराएं एप्लीकेशन, जिससे टू व्हीलर पर मैक्सिमम 5,000 रुपये हैं और फोर व्हीलर पर मैक्सिमम 1,000 रुपये सब्सिडीज सरकार की तरफ से दी जा रही है। और ये योजना 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक रहेगी। अभी तक कितने फॉर्म सबमिट हो चुके हैं? अभी तक लगभग 250 फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। आगरा के लिए शासन की ओर से कितना पैसा आया है? एक अगर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं आया है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, जो पहले आओ पहले पाओ, जो पहले आएगा वो पाएगा और जो सब्सिडी खत्म होने के बाद में रह जाएगा वो रह जाएगा। तो इसलिए मेरा इन सब के माध्यम से सभी वाहन क्रेताओं से यही अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशन अप्रूव कराएं। समय सीमा तय है सर, कब तक ये 31 वो अभी तो 13 अक्टूबर 2023 तक है, 13 अक्टूबर 2023 तक।